दोस्तों ये जो है रबर कब बदलने है, इसे डमरू गट्टा या फिर फाउंडेशन रबर, ये ना बदले तो क्या होता है। तो वीडियो को शुरू करते। हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो है जो टू स्ट्रोक गाड़ी का जो चीज़ मैंने अभी दिखाई है वो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, जो जानकारी देने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना और स्टेप बाय स्टेप देखना, क्योंकि बहुत से ऑटो ड्राइवर यही गलतियाँ करते हैं जो उनको मालूम नहीं होती। तो दोस्तों चलो फिलहाल नए हो या पुराने आप ऑटो ड्राइवर, उसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल टू स्ट्रोक गाड़ी है और मेरा चैनल का नाम है ऑटो रिक्शा ज्ञान। तो दोस्तों पूरी तरह एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, आप जब भी गाड़ी चलाते हो इस तरह का जो प्रॉब्लम हो तो आप गाड़ी को किस तरह से ला सकते हैं फिटर के पास या अपने मिस्त्री के पास और उसका काम करना है। तो चलो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल देख सकते हैं ये गाड़ी टू स्ट्रोक है और उसका फाउंडेशन रबर गया और डमरू कट्टा, तो उसको ख़राब होने के बाद उसको आपके पास गियर वायर क्लच वायर कोई भी हो वो जो ख़राब हो उससे इस तरह से बांध लेना है, जिससे आपकी ऑटो रिक्शा को आवाज़ आता है जो गियर में डालते समय, वो सही तरीके से गाड़ी आप अपने मिस्त्री के पास ला सकते। इसको इस तरह से बांधने से आपका मशीन का नुकसान नहीं होगा और गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोस्तों ये ख़राब होने के बाद आवाज़ बहुत सारा आवाज़ आता है मशीन में और इंजन और जो गाड़ी का फाउंडेशन रबर ख़राब होने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। दोस्तों आप ध्यान रखना, गाड़ी टू स्ट्रोक हो या फोर स्ट्रोक, फाउंडेशन रबर हर एक गाड़ी को होता है और वो ख़राब होने के बाद उसको चेक करने के लिए आपको सही तरीका दिखाता हूँ। सबसे पहले गियर में गाड़ी डालने के बाद गाड़ी आगे पीछे करके देख सकते हैं जो डमरू गट्टा है टूट गया है या ख़राब हो गया है, जो फाउंडेशन रबर होता है। दूसरा तरीका है जो अपना गाड़ी का साइलेंसर, जो साइलेंसर के पास पैर लगा के गाड़ी को एक तरह से दबा के रखना है, जिससे आपको पता चले फाउंडेशन रबर लेफ़्ट साइड का गया है या राइट साइड का, क्योंकि चेक करने में बहुत प्रॉब्लम होता है और समझ में आता नहीं गाड़ी का आवाज़ किस तरह है। इस तरह पैर से हिलाना है, आपको दिख रहा होगा वीडियो में क्या जो डमरू गट्टा है वो ख़राब हो गया है, जिससे इंजन किस तरह होता है और इंजन का नुकसान हो सकता है, एक्सल भी टूट सकता है और आपको बहुत सारा तकलीफ हो सकता है, यानी मशीन का काम निकल सकता है। फिलहाल ये चेक करने का तरीका हो गया। अभी खोलने का तरीका बताता हूँ। आपके पास 17 नंबर की गुटकी या रिंग पाना या गोटी पाना हो उससे टॉमी लगा के खोलना है, और दूसरा खोलते समय ध्यान रखना है एक जो स्पैनर है नीचे के बाजू और एक गुटकी पाना अंदर लगा के खोलना है। आपके मिस्त्री हो तो उससे खोल लीजिए, आपको आता है तो ये वीडियो देख लेना किस तरह काम करना है और आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों फिलहाल यही काम करते समय जो डमरू गट्टा या फाउंडेशन रबर है वो आपको ओरिजिनली डालना है, जो बजाज कंपनी का हो, दूसरा लोकल ना डाले, जिससे आपको फिर आगे जाके परेशानी ना हो। दोस्तों वीडियो तो बहुत सारे बनते रहते, फोर स्ट्रोक हो या टू स्ट्रोक, मेरे पास एक से एक वीडियो मैं आपके लिए डालता हूँ, जिसके आपको ये देखिए लोकल कंपनी का और इस तरह गर्मी के दिनों में ये ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों फिलहाल अभी ये बजाज कंपनी का डमरू गट्टा है जो फाउंडेशन रबर है वो शायद आप देख सकते हैं, और वो 80 से लेके 100 तक यानी 100 रुपये के आसपास मिलता है। तो फिलहाल दोस्तों ये काम बहुत आसान तो दिखता है, पर उससे होने वाली परेशानी आप समझ सकते हैं जो ऑटो ड्राइवर है, नए और पुराने, इसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल आप देख सकते हैं नए और पुराने में बहुत सा फ़र्क है। वो कई ज़्यादा दिन के होने के बाद वो ख़राब हो जाता है या फिर टूट जाता है, गाड़ी स्पीड ब्रेकर या गड्ढे में जाने के बाद ये प्रॉब्लम होता है। तो फिलहाल अभी फिटिंग का काम चालू है और वीडियो आप देख सकते हैं एक से। तो दोस्तों फिलहाल फिटिंग तो मेरा दोस्त इमरान शेख जो अच्छी तरह से अपना काम कर रहा है और मैं मेरा काम कर रहा हूँ, और आप लोगों का सभी का मैं इसी कारण स्वागत करता हूँ। ये ऐसे वीडियो आपको पसंद आते हैं और मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। दोस्तों फोर स्ट्रोक गाड़ी और टू स्ट्रोक हर एक काम आप मेंटेनेंस सही ढंग से रखेंगे तो गाड़ी में जो परेशानी हो ज़्यादा दिन तक नहीं आती और गाड़ी लंबे समय तक अच्छे से चलती रहती है। तो फिलहाल दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना, और मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँचे उसके पहले आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं जो प्रॉब्लम हो। दोस्तों गर्मी के दिनों में आपको बहुत सारी अलग अलग परेशानियाँ होती है, उसमें ये भी एक परेशानी। फिलहाल वीडियो तो ख़त्म होते आ रहा है। दोस्तों वीडियो के बारे में और भी जानकारी के लिए मेरा जो ऑटो रिक्शा ज्ञान का जो चैनल है आप उस पर गूगल पर जाके यूट्यूब या गूगल पर जाके सर्च बार में अनिल बागुल जो भी आपको मेरा नाम पता हो तो अनिल बागुल ये नाम डालने के बाद आपको एक लिंक खुलेंगी, उसके आप मेरे बहुत सारे वीडियो है वहाँ जाके आपको सब्सक्राइब करना है, और डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी लिंक मिले आपको गाड़ी की जो परेशानी वो आपको मिल जाएंगी। वीडियो जरूर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।